स्क्रैप पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए फायदेमंद रहेगी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में खासा फायदा होगा। प्रदूषण काफी हद तक कम होगा, क्योंकि ना तो सड़कों पर अनफिट गाड़ियां रहेंगी और ना ही प्रदूषण की वजह बनेंगी। लेकिन इसे लेकर खबर फास्ट की टीम लगातार जनता के बीच जाकर जनता से बातचीत कर रही है। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर खबर फास्ट की टीम जगह जगह जाकर जनता से बात कर रही है, क्योंकि ये जनता से ही जुड़ा मुद्दा है। मात्र ऐलान कर देने से कुछ नहीं होता, जनता के फायदे नुकसान का ध्यान रखना भी हर सरकार का फर्ज है। इस पॉलिसी के तहत जनता की ही गाड़ियां स्क्रैप हो रही है, तो ऐसे में देश की जनता इस पॉलिसी को कितना सही मान रही है, कितना गलत मान रही है, इस पॉलिसी को लेकर जनता की राय आखिर क्या है, ये सब कुछ हमारी गुरुग्राम की टीम ने लोगों के दर्द या खुशी को अपने कैमरे में कैद किया है। सरकार का एक ऐसा फैसला जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने अपने खून पसीने गाड़ी कमाई से एक गाड़ी खरीदी थी, सोचा था हमारे जाने के बाद हमारी गाड़ी का प्रयोग हमारे बच्चे करेंगे, लेकिन उनके सपनों पर पानी तब फिर गया जब सरकार का एक बड़ा फैसला आया। 1 अक्टूबर 2021 से रोड पर वो गाड़ियां कबाड़ मानी जाएंगी जो 10 साल से 15 साल पुरानी है। जनता इस फैसले को कहां तक देखती है, खबर फास्ट की जनित की मुहिम के जरिए आज हम जानेंगे जनता की राय, जनता क्या कहती है सरकार के फैसले के बारे में। हमारे साथ में एक यहाँ पर आमजन है, सरकार का फैसले को कहाँ तक सही मानते हैं आप? भैया देखो, अगर इस फैसले की बात की जाए तो हम देखते हैं कि एक तरफ पॉल्यूशन के लिए भी ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं तो एक आदमी, कोई गरीब आदमी अगर गाड़ी लेता है तो वो बेचारा 10 साल के बाद उसकी गाड़ी खत्म है, वो कहाँ जाएगा? तो पॉल्यूशन फिटनेस जो गाड़ियों का होता है वो करा के रोडों पे दौड़नी चाहिए, वो टाइम मिलना चाहिए, मतलब टाइम मिलना चाहिए 15 साल, तो डीजल और पेट्रोल गाड़ियों दोनों 15 साल। अब ये रूल बस NCR में लागू है, NCR के बाहर नहीं है, या तो होना चाहिए पूरे भारत में होना चाहिए। क्या दिल्ली NCR में पॉल्यूशन है क्या? पूरे भारत में एक समक्ष कानून लगना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। ये जो सरकार का फैसला आया है ये बेसिकली NGT है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही ये दिया था, तो वो तो फैसला तो सही है, लेकिन सरकार क्या है? सरकार गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन सही है, उन्होंने पोल्यूशन को देख के, भीड़ को देख के जो भी सोच के दिया है वो सही है फैसला, लेकिन सरकार को चाहिए जो जिनकी ऑलरेडी 15 साल की रजिस्ट्रेशन है, उनको अगर 5 साल का नुकसान हो रहा है तो 5 साल को उनको कंपेंसेट करे, उनको कुछ मुआवजा दे, और आगे से जो भी गाड़ी हो वो 10 ही साल के लिए रजिस्टर की जाए, ताकि खरीदने वाले को पता हो कि मेरी RC पे 10 ही साल लिखा आ रहा है, और फैसला पूरे देश में लागू हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो भी सरकार करे पब्लिक को ध्यान में देखते हुए करे, क्योंकि सरकार पब्लिक पहले तो पैसे खर्च देती है, बाद में उनको नुकसान हो, बाद में पता लगे, तो ये सही नहीं है। शुरू में ही उनको बता के जो भी कानून बनाए सबको भरोसे में लेके, विश्वास में लेके फिर कानून बनाए। देखो, सरकार ने जो फैसला लिया, ये पोल्यूशन को जो लेवल बढ़ गया है उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। इसका देखो, अगर आप मतलब इसका जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दोनों मतलब ठीक भी है, एक तरह से ठीक भी, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि 10-15 साल बाद भी कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो मतलब जिनकी फिटनेस ठीक होती है, पोल्यूशन ज़्यादा करती ही नहीं है, उन गाड़ियों को भी अगर आप बंद करवा रहे हो तो वो ठीक नहीं है। मतलब मेरा हिसाब तो ये है कि अगर गाड़ी फिटनेस ठीक है, गाड़ी की ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है, तो चलने देना चाहिए, जब तक बिल्कुल ही उसकी मतलब डैमेज कंडीशन ना हो जाए, कुछ बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम वो ना हो जाए कि पोल्यूशन हो रही है, तो मेरा तो इसमें ये मानना है सर। आप ये देखिए, जो गरीब आदमी है, आपने उसको कहाँ पर उसका ख्याल रखा क्या आपने? एक गरीब आदमी ने जिसने आज तक उसकी किस्तें भी पूरी नहीं होंगी, जो उसने अपना वाहन लिया है और वो उस वाहन को वर्कशॉप में ले जाकर उसको दुरुस्त कर रहा है, उसके सही पुर्जे ठीक करा रहा है कि ताकि मेरा वाहन सही तरीके से चले,
तो जिस प्रकार से एक आदमी स्वस्थ होता है तो उसको आप जबरदस्ती जो है कह रहे हो कि नहीं तेरे को हम अस्पताल के अंदर जो है ले जाकर तेरा ऑपरेशन करेंगे, तो ये तो इस बात का संकेत है। मेरा मानना ये है कि जो वाहन जिनका फिटनेस प्रमाण पत्र जिनका जिनके पास नहीं है या जो वाहन ठीक नहीं चल रहे हैं सही मायने में प्रदूषण कर रहे हैं उनको आपको प्रतिबंधित करना चाहिए, ये वातावरण और लोगों के हित में है। लेकिन आप तुगलकी फरमान कर रहे हो, आप एक तरफा फरमान कर रहे हो, तो ये तो हिटलरशाही हो जाएगी और इससे तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से भी व्यक्ति टूट जाएगा। बिल्कुल सही है, 100% फैसला सही है। पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली NCR में, इसलिए मैं तो सही मानता हूँ। भाई ऐसा है, सरकार जो कर रही है वो तो अपनी जगह कर रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ पे जाएंगे, इसका भी तो कोई हल होना चाहिए। हाँ, इसका कोई संविधान सरकार कोई निकालना चाहिए, अब गरीब आदमी इससे कहाँ जाएंगे। भाई पोल्यूशन की तो ये बात रही जी, जो मतलब गाड़ी है डीजल वाली भी हैं या मतलब CNG की बोल रहे हैं, CNG से ही पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बारे में जी जो सरकार कह रही है ना, वो एक बात देखी जाए तो बिल्कुल गलत है। तो सर जी ऑटो लाइन का मतलब वैसा ही है, ठीक है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, गलत फैसला है जी, बिल्कुल जाए नहीं लग रहा जी। सर अगर मान लें कि जो सरकार का फैसला है 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी, कहाँ तक फैसला सही मानते हैं आप? सरकार का ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देख नहीं रहे उसमें कितना वो बढ़ रहा है, धुआं ज़्यादा हो रहा है गाड़ियों का। और जो सरकार ने फैसला किया है डीजल वाली 15 साल की, 10 साल की, और पेट्रोल वाली जो है वो 15 साल की, वो बंद करने के लिए बिल्कुल सही है। सही फैसला, हाँ बिल्कुल सही है। खबर फास्ट की जनहित की मुहिम के जरिए आज हमने जाना कि सरकार का जो फैसला था कि 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां रोड पर नहीं चलेंगी, 1 अक्टूबर 2021 को NCR में लागू हो चुका है, और जनता ने यही बताया कि बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। जहां पर आम जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आई कि जो गरीब आदमी खून पसीने की गाड़ी कमाई से एक गाड़ी खरीदता है, ये सोचता था कि हमारी गाड़ी हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे इस गाड़ी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सरकार ये लागू कर देती है तो एक गरीब आदमी दूसरी गाड़ी कैसे खरीदेगा। ये देखना होगा कि लागू होने के बावजूद जनता पर कितना असर देखने पर मिलेगा। कैमरामैन अनिल मंगला के साथ मैं सूरज धवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम।